Hey everyone there, Mahmood is here. Today our topic is creating a layout using float property. After watching this video, you will be able to create a basic layout. By the way, you are watching Logixx Tuts, so come to the point and let's get started. फ्रेंड यहाँ पे जो है हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कुछ हम इस तरह का जो है कुछ लेआउट बनाएंगे, लाइक हेडर होगा हमारे पास कुछ एरिया, ये हमारे पास मेन कंटेंट एरिया होगा, देन फिर हमारे पास साइड पैनल होगा और देन फुटर होगा। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप यूट्यूब मेरा चैनल ओपन करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आपको जो है अभी तक आपने मेरा फेसबुक पेज नहीं लाइक किया तो उसको भी आप लाइक कर लें ताकि वहाँ पे भी आपको मेरी जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। ये मेरे पेज का एड्रेस है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है एक मैं फाइल बना लेता हूँ जिसका कुछ नाम जो है वो मैं रख लेता हूँ ले आउट विद फ्लोट, ठीक है जी, .html। एंड देन जो है यहाँ पे मैं एक CSS का फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी style.css के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। इसको मैं ओपन विद ब्रैकेट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ से मैं सारी पहले क्लोज कर लेता हूँ फाइल्स, इसको ओपन विद ब्रैकेट एंड देन इसको भी मैं ओपन विद ब्रैकेट कर लेता हूँ। अब ये दोनों फाइल्स मेरे पास यहाँ पे आ गई। यहाँ पे मैं बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है लेआउट विद फ्लोट प्रॉपर्टी, ओके जी, ये मैं उसको टाइटल दे देता हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो है हेडर बनाना, तो हेडर के लिए मैं हेड का जो है टैग यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर जो है मैं कुछ हेडिंग दे देता हूँ, लाइक यहाँ पर मैं कहता हूँ जी साइट टाइटल या लोगो, ठीक है जी। उसके बाद मैं पी के टैग में दिस इज साइट टैग लाइन, ओके जी। ये हमारे पास कुछ हेडर का एरिया है जो कि हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। अभी हमारे पास ये कुछ इस तरह का है। देन फिर मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एक मैं सेक्शन का टैग यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है मैं पी के टैग में कुछ डम्मी सा टेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है जी। एंड देन मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे साइड बार बनाने के लिए, यानी साइड पैनल बनाने के लिए साइड का जो है टैग यूज़ करता हूँ और यहाँ पे भी जो है मैं कुछ डम्मी सा टेक्स्ट पुट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। और यहाँ पर जो है मैं फुटर बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ दे देता हूँ 2018 copyright Logixx Tuts all right reserved, ठीक है जी। सेव करता हूँ और ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का है। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स मैं इसको टेक्स्ट जो है थोड़ा वो बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा जो है प्रोमिनेंट हो जाए, ये कुछ इस तरह हो गया। अब जी हम इस पे काम करते हैं। अभी कोई भी ये कुछ किसी ख़ास लेआउट में नहीं है तो यहाँ पे जो है स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इस पूरे एरिया को जो है कोई विड्थ देना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, विड्थ देने के लिए मैं इस सारे एरिए को, यानी फुटर हेडर हो गया, सेक्शन हो गया, साइड हो गया और फुटर हो गया, इस सारे को मैं रैप कर देता हूँ कंटेनर की क्लास में। यहाँ से इसको मैं कट करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इस कंटेनर क्लास को टारगेट करके जो है इस पर कुछ स्टाइलिंग करूँगा, लाइक मैं कंटेनर एंड देन जो है यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ मैक्स विड्थ, वो मैं देता हूँ लाइक 960 पिक्सल। सेव करता हूं, अब इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये आपके सामने जो है 960 हुई है। आपको फ़र्क इसलिए नज़र नहीं आया कि एक्चुअली मैं ये जो थोड़ी सी स्क्रीन छोटी है तो यहां पे जो है मैं
760 कर देता हूँ, 768। रिफ्रेश करते हैं, अभी भी नहीं हो रहा। चलें जी इसको देख लेते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके जी, यहाँ पे हमने जो है वो फाइल ही लिंक नहीं की, तो CSS के फोल्डर में जो है ये पड़ी हुई है style.css के नाम से। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इतनी छोटी हो गई है। अब अगेन मैं जो है इसको आई थिंक सो ये 960 की साइज तो होगी होगी। सेव करते हैं जी इसको, रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ इतनी हो गई है। ठीक है, अब मैं बेसिकली चाहता हूँ कि ये जो सारा कंटेंट ये कुछ सेंटर में हो जाए, ताकि आपका जो यूज़र है उसको ये दिखने में पहली नज़र में ये कुछ अच्छी लगे। इस तरह तो बहुत बुरी लग रही है ना, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने क्लोज भी नहीं किया। यहाँ पे अगर आप मार्जिन लेफ्ट दे दें ऑटो और मार्जिन राइट दे दें वो भी ऑटो, सेव करें तो ये सेंटर में हो जाएगी। फाइन जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो है इस एरिया से लेके यहाँ तक जो है ना इसको कुछ बॉर्डर दे देता हूँ, ताकि आपके जो है ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, इधर आके इन दो चीज़ों को, सेक्शन और साइड को, यहाँ से मैं किसी और जो है डिव में रैप कर देता हूँ। लाइक मैं मेन कंटेंट के नाम से एक डिव बना लेता हूँ, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेक्शन और साइड को इसके अंदर ले आया हूँ। ठीक है जी, देन क्या करते हैं जी, रिफ्रेश करते हैं, कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आया, क्योंकि हमने अभी तक इसको जो है कुछ स्टाइल दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैं आके मेन कंटेंट, देन इसको मैं क्या कह देता हूँ जी, बॉर्डर टॉप दे देते हैं, यहाँ पे बॉर्डर टॉप दे देते हैं जी 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एंड क्या कहते हैं बॉर्डर बॉटम भी दे देते हैं 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके जी, इसको सेव करते हैं, ये कुछ इस तरह आपके सामने आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसकी बॉर्डर की विड्थ को सेव करते हैं, तो ये आपके सामने कुछ इस तरह आ गया। अब जो है हमने इसको साइड बाय साइड लेके आना, क्योंकि ये हमारा सेक्शन एरिया का कंटेंट है और ये जो है हमारा साइड बार का कंटेंट है। यहाँ पर जो है मैं लिख भी देता हूँ, ये आपका सेक्शन है ना, दिस इज लेफ्ट सेक्शन एरिया, और ये जो है आपका दिस इज राइट साइड बार, सेव, और ये आपके सामने दिस इज लेफ्ट सेक्शन एरिया और दिस इज राइट सेक्शन एरिया। तो मैं क्या करता हूँ जी, हमारे पास ये सेक्शन है ना, इसको क्लास आप देना चाहें दे दें, नहीं देनी ना दें कोई इशू नहीं है, मैं डायरेक्ट सेक्शन को ही कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। तो सेक्शन को मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे मैं विड्थ इसको दे देता हूँ 70%, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि टोटल विड्थ का जो है 70% वो लेफ्ट साइड पे मुझे जो है कंटेंट सेक्शन को मिल जाए, और जो है 30% है वो राइट वाले साइड बार को मिल जाए। तो 30% मैं देने लगा हूँ यहाँ पे, और इसको जो है मैं क्या करने लगा हूँ, साइड को देने लगा हूँ विड्थ 30%। ठीक है जी, सॉरी ये 30% हो गया। ठीक है जी, सेव, ये कुछ इस तरह आ गया। अगर यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूँ और रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं 30% दे देता हूँ तो ये फिर 30% कवर कर लेगा इतना एरिया, और ये 70% है। अब मैं चाह रहा हूँ ये वाला इधर आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है फ्लोट लेफ्ट, आपने इसको यूज़ करना है। इसको रिफ्रेश किया, ये अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो लेफ्ट पे हो गई है, ऑलरेडी भी लेफ्ट पे ही थी, लेकिन जो है टेक्निकल और प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, और CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, अब ये लेफ्ट, इसको फ्लोट लेफ्ट कर दिया गया। अब यहाँ पर जो है इसको भी फ्लोट लेफ्ट करते हैं, लेफ़्ट किया एंड देन इसको रिफ्रेश किया तो ये आपके सामने कुछ यहाँ पे आ गई है।
ठीक है। अब एक चीज़ है, देखें आप ये जो है कंटेंट कुछ मज़ा नहीं कर रहा। एक और भी इसमें है कि ये जो बॉर्डर है ये हमने बॉटम पे दिया हुआ था, वो यहाँ पे मूव होके यहाँ चला गया है। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है ये था ना मेन कंटेंट, इसको हमने बॉर्डर दिया था ना। यहाँ पे अगर आके मैं पी के टैग में कुछ लिखूँ, दिस इज डेमो टेक्स्ट, इसको रिफ्रेश करता हूँ और तो ये देखें ये आपके सामने आ गया। इट्स मीन ये बॉर्डर जो है डुप्लीकेट हो गया, ये जो है 3 पिक्सल ये और ये ऊपर चला गया, हालांकि हमने उसको बॉर्डर बॉटम का दिया हुआ था। तो उसका जो सोल्यूशन है उसकी रीज़न ये है कि फ्रेंड्स जब हम फ्लोट लेफ्ट यूज़ करते हैं तो हमने उसको क्लियर भी करना होता है। आपका जो बॉर्डर बॉटम है वो फ्लोट लेफ्ट होने की वजह से नहीं आ रहा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो है हमने फ्लोट लेफ्ट दोनों के पे क्यों यूज़ किया है। एक्चुअल में हमने जो है ये लेफ्ट एरिया है तो हमने इसको इसके लेफ्ट पे रखना है, इसके साथ ही रखना है। अगर फ़र्ज़ करो मैं इसको 60% दे देता और इसको 20% दे देता, इसको लेफ्ट रखता और इसको भी लेफ्ट रखता तो ये यहाँ पे आ जाता और यहाँ वाली स्पेस छूट बच जाती। लेकिन अगर इसको मैं 60% रख के इसको 20% रख के इसको राइट देता इसको लेफ्ट देता तो सेंटर में जगह छूट जाती, ठीक है। तो बाय जो है लॉजिक इन दोनों को इसलिए मैंने लेफ़्ट रखा है कि ये इक्वल साइज़ है, फिर भी मैंने इसको लेफ़्ट रखा है ताकि ये यहाँ पे इसके साथ ही फूल लग जाए, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने जो है वो क्लियर करना है वो फ्लोट। तो उसके लिए जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे सेक्शन असाइड के बाद यानी मेन कंटेंट के अंदर ही आपने एक डिव बनानी है, उसका नाम कुछ भी लिखते हैं, लाइक क्लियर फिक्स के नाम से रखते हैं, ठीक है जी। रख दिया और यहाँ पे जो है मैं इसको क्लियर फिक्स और यहाँ पे जो है हमने लिखना है क्लियर बोथ। आपने किसको करना है, इनहेरिट करना है, लेफ्ट करना है, नॉन राइट, तो बोथ कर दें, ठीक है। चाहे आप लेफ्ट यूज़ करें चाहे आप राइट करें, बोथ एक अच्छी प्रैक्टिस है, तो आपने हमेशा इसी को यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये आपके सामने कुछ अब इस तरह आ गया, ठीक है। अब इस पर हम थोड़ा सा मज़ीद जो है कुछ कंटेंट डाल लेते हैं जी, किसमें साइड में डाल लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करने लगा हूँ और बल्कि इस पूरे पी को ही मैं कॉपी करने लगा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ इस तरह आ गया। और अगर इधर भी मैं सेक्शन में भी करूँ, यहाँ से कॉपी किया पेस्ट किया देन पेस्ट किया रिफ्रेश, तो ये कुछ इस तरह हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है हमने इसको साइज़ ज़्यादा दिया हुआ 70%, तब ये इस वजह से कंटेंट ये उतना ही है लेकिन ये जगह कम ले रहा है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं मज़ीद देख देती हूँ तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने लेफ़्ट और राइट है, इसको आपके सामने अब आ गई है ये चीज़, दिस इज़ लेफ़्ट सेक्शन एंड दिस इज़ राइट सेक्शन। मज़ीद जो है आज का लेक्चर जो है वो इतनी हद तक था। बेसिकली मैंने आपको हल्का सा जो है वो टच देना था लेआउट का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं लेआउट्स को एडवांस लेवल पे करेंगे, क्योंकि वीडियो का टाइम भी बढ़ गया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।